पेड़ में फल उगते हैं, वो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। नहीं बनेगी, 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 सिडको इंडस्ट्री मुर्दाबाद, सिडको इंडस्ट्री मुर्दाबाद, सिडको इंडस्ट्री मुर्दाबाद, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, सिडको इंडस्ट्री मुर्दाबाद, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, जी। बाकी जो खैर जिन्हें भी सज्जना आए ने, मैं कुछ ना नहीं जानता। अपने साढ़े पुरुषोत्तम होर जिहड़े बड़े पुराने सज्जन हैं, कि मिटा दे अपनी हासी अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जैसे आवागढ़ चौधरी साहब ने सुनाया भी कि ये इंडस्ट्री एरिया आई है, इंडस्ट्री लगे बनना, महते इन्हें वृक्षों का क्या बनेगा। और सारे ही पता है कि चौधरी साहब फॉरेस्ट मिनिस्टर है। अभी थोड़े चिर पहले मैं एक कठुए या जम्मू की गल नहीं करा रहा, अमीरपुर बिंबर रणबीर सिंहपुरा सांबा कठुआ रामकोट बसोली भद्रवाह किश्तवाड़ रामनगर रियासी उधमपुर के डोडा इलाका दिखा, पौधे लगे छिड़के के कंडे कंडे सफेद हो गए फुलें दे। उन्हें पूछा थोड़े जन्मदाता कौन है, उन्हें कहा चौधरी लाल सिंह। चौधरी साहब लाल सिंह ने जिन्ने भी रोड ने हर रोड के कंडे बूटे लाए ने, सारे ही पता है। तो फिर अगर ये बढ़ाने लगे पौन इन को बर्दाश्त हो भला नहीं हुआ था। इस वास्ते ये तो चौधरी साहब ने सुनाया कि इंडस्ट्री एरिया आई है, हूँ ये इतों के साढ़े जिन्हें भी लोग रौने आने जिन्हें भी हैं स्थानीय जिन्हें भी हैं उन्हें इंदा कम है, बाकी साढ़ा सहयोग पूरा बराबर हो। जो इत सब कुछ सारिया एक्साइज दया इन्हें रिलैक्सेशन दिखी दी अस लोगों छड़ा पोल्यूशन देना होना, इस वास्तव यूनाइट हो जाओ, अस लोग थोड़े कन्ने आ जो साढ़ा तुम्हें ड्यूटी समझिए साथ देने अच्छी सोच रखते सरकार कन्ने के संघर्ष आस्तै त्यार लगे नहीं, असें बच्चे का फ्यूचर सेव करना, बच्चे असें जायदाद छोड़नी, ये हरा भरा वातावरण उन्दे छोड़ना। एक साइड सरकार आ दी ग्रीनरी की बधाओ, तो दूए से लाई दी ग्रीनरी जिहड़े साढ़े पूर्व जने लाई दी बुजुर्ग दादे बाबे ने लाए वो भी तबाह करदे तां परूठी आए दिन साढ़ा दिलों जान करने थोड़े कन्ने। पुरशोत्तम होर जी अस तुसें आगे तुस इस इलाके च इस चीज गी अगर तेज करगे साढ़ा जो सरबत तो समेत करके अस पूरा साथ देने आस्तै तैयार हैं। ते साढ़े लीडर चौधरी साहब इन्हें चीजें पहले गै बड़ा पर्टिकुलर एक्शन रखदे न, नजर रखदे न, उन्हें एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर उन्हें ग्रीन करे तो ये मेरे ख्याल च पहले होंगे जे संघर्ष करगे, जे संघर्ष करगे वो आज नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। एहसास है असेंगी साथ है चौधरी साहब ने पूरा, कुछ लोग सियासी सिर्फ सियासी फायदे आस्तै होंदे, कुछ ऐसे एवरग्रीन लोग होंदे जेहड़े हर वक्त मुश्किल दी घड़ी च साढ़े लोकें दे विच होंदे न,
साढ़े लोगों का साथ देंगे उनकी दुख तकलीफ शमूलीयत करते शिरकत करते होंगे मुंडे ने मुंडा चलाइए चलते लाइया चलते इन्हें चीजें ध्यान करना कि असं मुश्किल वक्त कोई अगर दिक्कत आई हो साढ़ा साथ देने कौन है उसका भी ध्यान रखना उनके संघर्ष का भी ध्यान रखना तो फिर सारे अपील करके कि इस इलाके के मात्र बराबर नहीं समझो इस कठुआ हीरानगर के लोग सारे थोड़े कने संघर्ष आस्तै तैयार है तुसें पोल्यूशन फ्री रखने आजादी लैना बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और खास कर मैं न्याणे बच्चे बच्चे में आगा कि इंसाफ की घर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा नेता हो तुम कल के उस वास्ते मेरी अच्छा लग गया और दूसरी गल ये कि मैं पता कि परिवार च बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग ने और अच्छे लोग ने इंटलेक्चुअल लोग भी है बहुत ज्यादा ने उनकी सारे की आता थी जोड़ी बेनती करो मेरी रिक्वेस्ट है सारे साथी उन्हें आखो मैं दिखा रस्ते बड़े बंदे लगे कोई गली बैठे कोई ताश खेडा दे मैं रस्ते दिखे आते उन्हें सारे हाथ जोड़ी आखो कि यह साढ़े आने वाले बच्चे का फ्यूचर है ये साढ़े आने वाले बच्चे का फ्यूचर साढ़ा अपने का काम दिन उन्हें अत हाथी जोड़ी आखो भी इस अंदोलन जाओ क्यों अंदोलन दो ही रहा है ऐसी गल नहीं अंदोलन लड़ने वास्ते त्रै गल की जरूरत होंगी है एक ज्ञान दलेरी और अनुशासन अगर अनुशासन बनाइए रखे और दलेरी भी है और ज्ञान भी है और मिगी पूरी उम्मीद है कि तुम अंदोलन जितगे ये अगर जितने साड़ी ड्यूटी साड़ी ड्यूटी जी ड्यूटी लागे इमानदारी के अस उस ड्यूटी करगे और इस अंदोलन थोड़े कन्ने कने कदा मतलब ये चलगी ये कन्ने बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बताएंगे आज के दौरे के बारे में एक ही महीने के अंदर हर इतवार को आपने आज आपका चौथा दौरा है इसके बारे में बताएं कि गांव बुरवाल के स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं हैं क्यों आपको बार बार जहां पे इनवाइट करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं देखो ये बड़ा क्लियर है कि आप बेहतर जानते हो कि आप मेरे ख्याल इधर चक्कर लगा के आए आप ईमानदारी से सोचो कि ये जो हमारे 200-200, 300-300, 400-400, 100-100 साल के पेड़ हैं आम के और हजारों पेड़ हैं यहाँ आम के पेड़ की एक टहनी काटना गुनाह है आप 1000-1000 पेड़ काट दोगे किसके लिए पॉल्यूशन के लिए वेयर इज द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ है वो ऐसे तो किसी का छोटा सा काम लगना हो तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो खड़ा हो जाता है आए कहा है फिर नंबर एक नंबर दूसरा आप ईमानदारी से देखो मौसम देखो बाहर बैठे हैं कोई मच्छर कोई गर्मी किसी को पसीना है इधर तो किसकी वजह से है ये सारा कारण है ये पेड़ लाखों टनों के हिसाब से मीट्रिक टन के हिसाब से ऑक्सीजन ऐसे जहां चल रही है कितनी हिम्मत है इन लोगों की ऐसी सरकारों की जिन्होंने ये प्लान किया और ये हमारे ऐसे लोग और यहाँ हमारे ऐसे साथी अगर इस एरिया में है तो ये यहाँ इंडस्ट्री लगेगी पेड़ काट के सर एक तरफ सरकार स्लोगन देती है ग्रो ग्रीन फॉरेस्ट और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो वृक्ष हैं फलदार भी हैं इनको काटा जा रहा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है देखिए यही तो चिंता है कि जब सरकार स्लोगनों में क्या कार्बन कम करने की बात कहती है इन्होंने अमेरिका में जाके दस्तखत किए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हिंदुस्तान ने गारंटी दी कि दुनिया को पॉल्यूशन फ्री करेंगे और 2% कार्बन कम करेंगे मुझे बताओ इतने पेड़ काटोगे कितनी कार्बन बढ़ेगी घटेगी और इतनी इंडस्ट्री यहां लगने की जरूरत ही नहीं है यहां कोई जरूरत नहीं इंडस्ट्री की देयर इज नो नीड यहां बड़ा क्लियर है इंडस्ट्री के सिवाय इसको बचाया जाए यही बच्चे यही हमारी तरक्की है ये जो बच्चे यहां बैठे हैं छोटे छोटे हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे यहां लोग बड़े बैठे हैं उनके लिए ये छोड़ के चले गए अब ये सारे बैठे हैं
इनके लिए क्या छोड़ेगा कोई, अब इसको कटवा देंगे, इनके आगे फ्यूचर क्या है। और दूसरा नंबर ये मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस सरकार का, जम्मू कश्मीर में मुझे बताओ इस स्टेट में इस जो यूटी इन्होंने बनाई उसमें इंडस्ट्री लगने की कोई गुंजाइश है? कौन सा रॉ मटेरियल यहां लगाना चाहते हो आप? यहां आगे हम मुसीबत में होते हैं, पानी की मुसीबत होती है। सर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ड्राई पोर्ट के बहाने जमीन को कैप्चर किया गया, एक धोखा किया गया लोगों के साथ, इसके बारे में क्या कहना? अभी भी आप यहाँ धोखा नहीं हो रहा, आप देखिए जम्मू में जमीन खाली हो रही है, उनको अब बताया गया कि जहाँ एक हॉस्पिटल खोलेंगे, उन्होंने फिर लोगों ने पूछा प्राइवेट है या सरकारी, वो प्राइवेट आने के लिए इंतजाम हो रहा है। अभी भी एक जमीन 3700 कनाल जमीन आज नया एक प्रपोजल बना है, ये जगह किसके लिए खाली हो रही है? ये अमानी साहब के लिए, ये किसके लिए? अडानी साहब के लिए। ये चीजें बनना शुरू होगी, ये इंडस्ट्री आप क्या सोचते हो यहाँ कौन बैठेंगे, कौन लोग आएंगे और इससे मैं बेनिफिट क्या, मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए इन्होंने जो नारा दिया है ना, एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर करना, लोगों के हाथ से किसानों से जमीन छीनना चाहते हैं और फिर ये खुद एग्रीकल्चर करना चाहेंगे और मर्जी का लोगों को लूटेंगे। लाखों, मैं कह एक एक पेड़ को 50-50 क्विंटल आम लगते हैं, उसकी संभाल का कोई, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है, आपको काटने का फिक्र है ना। तो कहने का मकसद है हमारी जंग जो है हमारे लोगों की, परिवार के लोगों की, बुद्धि के, मेहता के, ननन के, पननन के, पलड़ के, पतराड़ के और यहाँ बसवाई के, जो यहाँ नजदीक के गांव हैं, सबकी एक ही मंशा है कि यहाँ इंडस्ट्री ना लगे। ये रेजोल्यूशन डलवा लें लोगों का, लोगों से पूछवा लें, एक एक बच्चा इनके खिलाफ है। और बाकी रही बात, मैं कहता हूं अगर इस बात के लिए सारे लोग भी खड़े हो जाएं कि पेड़ कटवाने के लिए, तो मेरे जैसा आदमी कभी काटने नहीं देगा, बिल फेस मैं फेस करूंगा, मेरे साथी फेस करेंगे। सर डोगरा, सर डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से बरवाल के लोगों के लिए क्या आश्वासन रहेगा? बरवाल के लोगों के लिए आश्वासन नहीं, पूरा भरोसा है, हम उनको पूरा यकीन दिलाते हैं जी कि ये आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, सेफ बचाइए, ये आपकी सुंदरता जो आपके बच्चों में रंगत है, खूबसूरती है, ड्यू टू दिस एरिया दिस प्लांट, और कोई वजह नहीं, माँ बाप के नए नक्शे होते हैं बच्चों में, नई खूबसूरती क्लाइमेट की होती है। तो कहने का मकसद है कि सारे लोगों को मेरी अपील है हाथ जोड़ के, भाई यूनाइट हो जाओ और यूनाइट होके अपने इस अधिकार को, जो आपकी हाथ से जमीन जा रही है उसको वापस करिए, रेस्टोर करिए और इस पे किसी किस्म की हरकत ना करने दें। और ठेकेदारों को भी कहूंगा जो बड़े इधर आके घूम रहे हैं वो भी आराम से बैठे, अपना नुकसान हो जाएगा।